हेलो गाइस, आज आप लोग बनाना सीखेंगे बहुत ही खूबसूरत सा स्लिप। तो यहाँ देखिए, बॉटम में आपको अपने मेजरमेंट के हिसाब से ले लेना है और यहाँ ऊपर से आपको 3 इंच का नीचे कर लेके इस तरीके से स्लिप को गहराई से कट कर लेना है। तो ये देखिए, मैंने आकार दे करके कट कर रही हूँ इसको। कट करने के बाद आपको इसका फिटिंग का निशान लगा लेना है। तो यहाँ देखिए, मेरी फिटिंग है 5 नीचे बॉटम एरिया में और यहाँ से 8 है। अब देखिए, जितना हमारा ये 5 इंच का फिटिंग था उसका हम लोग को दोना लेना है 10 इंच, और 10 इंच से आपको 1 इंच बढ़ा लेना है सिलाई में जाने के लिए। तो देखिए, यहाँ 11 इंच का हम लोगों को दो साइड लेना है, दो कपड़ा लेना है। इसके नीचे मैंने एक कपड़ा रखा हुआ है और उसके बीचों बीच आपको निशान लगा लेना है 5.5 पे। तो ये देखिए, 11 और ये 5.5 पे मैंने आधे पे निशान लगा लिया है। और यहाँ से आपको 1.5 इंच पे निशान लगाना है और ऊपर से आपको 2 इंच का निशान लगाना है, और इन दोनों निशानों को आपको तिरछे में मिला लेना है। देखिए, मैंने यहाँ तिरछे में मिला लिया है और आपको इस एरिया से मिला करके देखिए गोलाई में इस तरीके से आकार दे देना है। आकार देने के बाद आपको इसको कट कर लेना है। तो देखिए, मैंने कट कर लिया है, मीन्स कट कर रही हूँ। कट करने के बाद जितना देखिए इधर हम लोगों को 2 इंच था, उतना ही इधर हम लोगों को निशान लगा करके उसके नीचे से हम लोगों को पूरा ये गोलाई में सिलन कर लेना है। तो देखिए, इस तरीके से आपको सिलाई कर लेनी है पूरी ऊपर तक, जहाँ से आप लोगों 2 इंच का निशान लगाए थे। तो देखिए, पहले मैं यहाँ पे सिलाई लगा रही हूँ स्लीव का फिटिंग जो मैंने किया था। तो ये देखिए, मैंने फिटिंग की सिलन लगा ली है। अब इसका जो मैं बताई थी यहाँ गोलाई में आपको सिलन लगाना है। तो ये देखिए, मैं इस तरीके से पूरा गोलाई में सिलन लगा लूँगी ऊपर तक। इसको लगाने के बाद आपको इस तरीके से देखिए दोनों बाजू को जहाँ से 2-2 इंच निशान लगा दे, इस तरीके से बीचों बीच पार्ट पकड़ के फिर से सिलन लगाना है। तो आधा आधा इंच छोड़ करके आप इस तरीके से सिलन लगा लें। तो ये देखिए, इस तरीके से सिलन लगाने के बाद फिर आपको इसको सीधा कर लेना है। तो ये देखिए, मैंने इसको पलट कर सीधा कर लिया है। देखिए, कितना खूबसूरत सा स्लीव रेडी हो गया है। अब आप यहाँ पे सिलन लगा सकते हैं। देखिए, मैंने यहाँ पे सिलन लगा दिया है। अब आपको इसको स्लीव में जोड़ लेना है। तो ये देखिए, मैंने स्लीव को सीधा करके और इसको उल्टा करके यहाँ पे गोलाई में पूरा सिलाई कर ली हूँ। तो देखते रहो कैसे वीडियो में हो रहा है। तो ये देखिए, यहाँ पे आप यहाँ पे अपने मन चाहिए पसंद का बटन लगा सकते हैं। तो ये देखिए, मैंने यहाँ पे 2 बटन लगाया हुआ है। कितना प्यारा स्लीव रेडी हो गया है। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।